अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं हूँ राणा अजीम और आप देख रहे हैं साइंसिफाई योर सेल्फ। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो मॉलिक्यूल के बारे में। जो हमने पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वो था एटम, और आज हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा कि कोई भी ऐसी स्पीशी जिसको हम इंडिपेंडेंट, कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि इंडिपेंडेंट रह सकती है, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। चाहे वो एटम ही क्यों ना हो, अगर एटम भी इंडिपेंडेंट रह सकता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एनी स्पीशी दैट में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। अब ये जो स्पीशी है जो इंडिपेंडेंटली रह रही है, ये सिंगल भी हो सकती है और कंबाइंड भी हो सकती है। अब सिंगल में जैसे कि एटम जो है वो सिंगल में भी इंडिपेंडेंटली रह सकता है, हमने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया है। वो किस सूरत में रहेगा, जब उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होगा तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। और वो कौन से हैं जिनके, जैसे कि नोबल गैसेस है। अब नोबल गैसेस में हमारे पास क्या आता है, हीलियम आता है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो इनमें क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है और हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ना ये किसी से रिएक्ट करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन वगैरह खारिज भी करते हैं, ना ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं और ये आज़ादाना रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे जो हमने देखना है वो इसकी टाइप्स के बारे में देखना है कि मॉलिक्यूल को हम कितनी कैटेगरी के अंदर तकसीम कर सकते हैं, किस तरह तकसीम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास इसको तकरीबन 6 किस्मों के अंदर तकसीम कर सकते हैं, कोई स्किप भी हो सकती है लेकिन मैं सारी लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है जी। दूसरी जो है वो टाइप्स ऑफ एटम्स, और तीसरी है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी। और चौथी है टाइप ऑफ बॉन्डिंग, और पांचवी जो टाइप बनेगी वो बनेगी पोलैरिटी। ठीक है जी। और जो छठी हमारे पास बनेगी वो ऑर्गेनिक या इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है जी। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स की बेस पर भी मॉलिक्यूल को हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब अगर 1 एटम होगा तो उसका क्या नाम होगा, 2 एटम होंगे तो क्या नाम होगा, 3 एटम होंगे तो क्या नाम होगा। तो अगर 1 एटम है, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं मोनो अटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, जो भी नोबल गैसेज होती है वो सारी क्या होती है, मोनोटॉमिक होती है, वो इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं। दो वाले को हम क्या कहते हैं, डाईटॉमिक कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल N2, H2, Cl2। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, डाईटॉमिक मॉलिक्यूल है। और तीन वाले को हम क्या कहेंगे, ट्राईटॉमिक। ठीक है जी। और इस तरह 4 एटम वालों को हम टेट्रा एटॉमिक कहेंगे। और अगर बहुत सारे एटम आ जाते हैं, मैनी एटम्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है कि एक एटम अगर होगा तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, जैसे कि ये दिखा रखे एग्जांपल के अंदर। अगर 2 एटम होंगे तो डाई एटॉमिक, अगर 3 होंगे तो ट्राई एटॉमिक, और अगर बहुत सारे होंगे तो क्या होगा, पॉली एटॉमिक हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये किस बेस पे है, नंबर ऑफ एटम के कितने एटम मौजूद है। अगला अगली जो हमने टॉप जो टाइप डिस्कस करनी है वो क्या है, टाइप्स ऑफ एटम पर हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास सेम
क्या हो, एटम मौजूद हो तो क्या होगा, हम उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है जी। अगर क्या होंगे, एटम्स सेम होंगे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन में सेम होते हैं, दोनों नाइट्रोजन के ही है, ठीक है जी। क्लोरीन के अंदर क्या है, सेम है। H2 के अंदर क्या है, सेम है। और भी S8, अब सल्फर के अंदर 8 है, 8 एटम्स जो हैं वो सल्फर के ही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इस तरह के क्या हो गए, जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर सेम एटम मौजूद हो, जितने मर्जी मौजूद हो, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, जितने मर्जी मौजूद हो, लेकिन होने सेम चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर हमारे पास उसके अंदर जो एटम्स है वो डिफरेंट मौजूद है, अगर एटम डिफरेंट मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बहुत सी एग्जांपल है, जैसे कि H2O, CO2, H2SO4, अब जितनी मर्जी एग्जांपल ले सकते हैं, HCl, NH3 और Adeptosone, मतलब काफ़ी सारी एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब अगर सेम एटम होंगे, एक ही जैसे कि एटम होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। अगर डिफरेंट एटम मौजूद है, जैसे कि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर दो ऑक्सीजन एक कार्बन मौजूद है, तो इस तरह क्या होगा कि इसको हम हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। और ये है टाइप्स ऑफ एटम पर के सेम है या डिफरेंट एटम्स है, ठीक है। तो आगे जो हमने देखना है वो क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उसका साइज बड़ा है या छोटा है, ठीक है जी। तो अगर साइज छोटा है, स्मॉल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हमारे पास क्या होगा, साइज मॉलिक्यूल का छोटा होगा तो उसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, जैसे कि CO2 है, H2O है, H2SO4 है, ये सारे क्या हैं, छोटे मॉलिक्यूल है, ठीक है जी। और अगर साइज क्या होगा, लार्ज होगा, बड़ा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल अब प्रोटीन का बहुत बड़ा यूनिट हो, या स्टार्च का बहुत बड़ा यूनिट हो, या लिपिड का बहुत बड़ा यूनिट हो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास बड़े यूनिट है, ठीक है जी। जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात कर लेता हूँ, कि हीमोग्लोबिन का कोई यूनिट हो, तो इस तरह क्या होता है कि ये बहुत बड़े बड़े यूनिट होते हैं, तो इनको हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। जो हमारे पास अगर साइज छोटा है मॉलिक्यूल का, तो उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और अगर साइज बड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है जी। तो आगे जो हमने देखना है वो क्या है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग की टाइप पर हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल को। तो अगर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट है, तो उसको कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है जी। अगर आयनिक है तो क्या होगा, आयनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा। जैसे कि अब कोवेलेंट बॉन्डिंग है, फॉर एग्जांपल H2O, अब ये क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। और NaCl, जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि आयनिक बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो हमारे पास होगा, इसका जो एक होता है, अगर सिंगल हम लेंगे तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल ही है, लेकिन अगर हम NaCl को लेंगे तो ये आपस में बहुत सारे रीअरेंजमेंट करके थ्री डायमेंशनल एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है जी। मतलब Na के गिर्द काफ़ी सारे Cl होंगे, एक Cl के गिर्द काफ़ी सारे Na होंगे, और फिर Cl के गिर्द Na होंगे, इस तरह एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हमने सिर्फ एक NaCl की बात करनी है, तो ये होगा यूनिट सेल, क्या होगा, ये यूनिट सेल। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर क्या हो जाएगा कि अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा, और आयनिक बॉन्डिंग है तो आयनिक कंपाउंड होगा या यूनिट सेल होगा, जो चीज़ होगी। तो उस बेस पे हम क्या कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बेस पे हम मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या होती है,
के चार्जेस का बन जाना, हाँ मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज़्यादा एटम्स हैं और डिफरेंट एटम्स पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फ़र्क की वजह से, किस चीज़ की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि मतलब दो एटम जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, अब ये अपनी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी तरफ खींचेगा और ये अपनी तरफ खींचेगा, किसकी ज़्यादा सलाहियत है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब किसी की ज़्यादा होती है और किसी की क्या होती है, कम। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जब इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, अब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लिया तो इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव दो पोल्स बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है जी, अब पोलैरिटी की बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट क्लासेस के अंदर तकसीम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास पोलैरिटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या कहें, अगर 0.0 से लेके 0.04 तक है तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम्स के दरमियान, जैसे कि मैं कहता हूँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो ये होगा 0.3%, 0.3 होगा। अब इसका होता है 2.5 और इसका होता है 2.2 के करीब होता है, 1 के करीब होता है, तो इसका 0.3 या 0.4 होगा, तो इसमें क्या होगा कि ये नॉन पोलर होगा। ठीक है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0.4 है या 0.4 से कम है तो उसमें नॉन पोलर होगा और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर ही होगा। ठीक है जी, और फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ दूसरी कि अगर 0.4 से ज़्यादा है, ठीक है जी, अगर 0.4 से क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो पोलर की बहुत सी मिसालें होती हैं, फॉर एग्जांपल HCl, अब इसकी क्या है 2.1 और इसकी कितने हैं 3.2 कह लें या 3.5 कह लें, तो इसके अंदर डिफरेंस जो है 0.4 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी, और अगर हम बात करें पोलैरिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की, तो 0.0 से लेकर 0.4 तक कितना होता है, नॉन पोलर, और अगर 0.4 से आगे चले जाएँ तो पोलर हो जाता है, और अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से भी ज़्यादा हो जाए तो फिर आगे क्या बन जाता है, ये पोलर या नॉन पोलर नहीं रहते बल्कि ये आयनिक बॉन्ड चला जाता है। क्लियर हो जाएगी बात, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट में जो हमने टॉप वो डिस्कस करना है पॉइंट कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक। ठीक है जी, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड होंगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड होंगे बाकी तमाम, ऑल एक्सेप्ट दिस, तो उनको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात, कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक। और मतलब इनके अंदर मेन जूस क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा कि इनऑर्गेनिक कौन से होंगे, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होंगे उनको हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है जी, तो ये थे मॉलिक्यूल को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ एटम पर भी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, और फिर पोलैरिटी, और लास्ट में क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप्स की बेस पर भी हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो आगे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आयनिक, जो आयंस के फॉर्मेशन और आयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।